ब्याज माफियाओं के आतंक से परेशान बुजुर्ग ने लगाई फांसी, पुलिस जुटी जांच में। शहर में पिछले कुछ समय से ब्याज माफियाओं का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्याज माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद भी ये ब्याज माफिया रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इन माफियाओं के आतंक से कितने ही जने अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसा ही एक और मामला प्रताप नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां ब्याज माफियाओं की धमकियों से परेशान होकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने ही घर के सामने पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। यहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतक के बेटे बाल सिंह भाटी ने बताया कि तेजा विहार निवासी मेरे पिता देवी सिंह ने बेरूलाल गुज्जर से 50,000 रुपए और बबलू सासी से 1,00,000 रुपए उधार ले रखे थे, जिनका मेरे पिताजी नियमित रूप से ब्याज भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे पापा को परेशान करना शुरू कर दिया। वे लोग आए दिन मेरे पिता को ब्याज के नाम पर ज्यादा परेशान करने लगे और घर पर आकर गाली गलौज और धमकियां देने लगे। लगातार इन लोगों द्वारा मिल रही धमकियों से परेशान होकर मेरे पिता ने बीती रात अपने घर के सामने ही पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी हमें सुबह उठने पर हुई, फिर हमने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची प्रताप नगर थाना पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया और परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हम चाहते हैं कि इन ब्याज माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इन ब्याज माफियाओं के आतंक से परेशान होकर कोई भी दूसरा व्यक्ति इस तरह का कदम ना उठाए। वहीं पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सर, पिताजी देवी सिंह जी भाटी हैं, जो दो आदमी से बहुत परेशान थे, मतलब ब्याज में पैसे ले रहे थे, वो बहुत टॉर्चर कर रहे थे, उनको बहुत परेशान कर रहे, आए दिन मतलब गाली गलौज करना, परेशान करना, आए दिन मतलब पैसों के लिए आना, बार बार धमकी देना, उनको ये कर रहे थे। हेरूलाल गुज्जर और बबलू सासी, ये दोनों थे, ये बार बार बहुत परेशान कर रहे थे। इसी हिसाब से उन्होंने रात को 2-3 बजे के करीब उन्होंने घर के सामने पेड़ के ऊपर फांसी लगाई। सुबह हमने देखा तो उनकी लाश टकी हुई थी, फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस आई, उन्होंने कानूनी कार्रवाई तेजा विहार की, पटेल नगर विस्तार तेजा विहार बिलोड़ा। अब आप लोग वे चाहते हैं कि जो इन्होंने किया उनके साथ कार्रवाई हो, मतलब 1 से 1,00,000 रुपए ले रहे थे, 1 से 50,000 रुपए ले रहे थे, इनके ब्याज जो भी करके 2-2.5 लाख रुपए थे, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा, तो मजबूरी में उन्होंने आके रात को आत्महत्या कर दी और मोटरसाइकिल भी छीन ली ब्याज वाले ने, मोटरसाइकिल भी छीन ली थी। मेरा नाम बाल सिंह है, मैं उनका बेटा हूँ, मेरे पिताजी थे।